लास्ट में सभी अभी तो अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो बाप के ऊपर सबको क्रोध आता है, पर जब बात सारी प्रत्यक्ष हो जाएगी, ज्ञान क्लियर हो जाएगा, तो कोई ऊंच नीचे वाली बात नहीं रहेगी। यथा राजा तथा प्रजा। जोर से बोलिए। हाँ है फुल बैगर टू फुल प्रिंस, लेकिन सीढ़ी के चित्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है ब्रह्मा फुल बैगर टू फुल प्रिंस। सीढ़ी के चित्र में तो क्लियर दिखाया हुआ है बैगर जो फुल बैगर बनता है वो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, और जो फुल बैगर नहीं बनता है वो ब्रह्मा बाबा फिर भी खड़ा हुआ है पुरुषार्थ में। इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए फुल बैगर नहीं कहेंगे, आखिरी जीवन में वो फुल बैगर नहीं होता है। हाँ जी, और आगे हाँ जी। हाँ जी, हैं फुल बैगर टू पहले फुल प्रिंस बनता है, किंग नहीं। जो प्रिंस होता है वो फिर भी किसी के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? राजा के अधीन होता है। यहाँ भल राजा कोई नहीं है, फिर भी एक की मत पर चलना पड़े। एक कीमत पर अगर नहीं चलेगा तो टाइटल बेकार हो जाएगा फुल प्रिंस का। हाँ जी, फुल बैगर टू फुल किंग नहीं, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जब सत्ता हैंड ओवर की जाती है तब कहा जाता है किंग। अभी राजा ही नहीं मिल गई है किसी को। है? अभी तुम्हारी बुद्धि में एक राजा बुद्धि में नहीं बैठा, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमारा राजा कौन है ये बुद्धि में बैठा नहीं। शिव बाबा राजा ही भले न लेता हो, लेकिन हम तो राजा ही देने वाले, हम तो उसकी मत पर चलने वाले हैं या नहीं? हम किसका आर्डर मानते हैं? शिव बाबा का आर्डर मानते हैं कि नहीं? जिसका हम आर्डर मानते हैं वो निराकार है या कोई साकार है? निराकार का हम आर्डर मानते हैं। वो कोई देहधारी नहीं है जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती हो, वो तो सदा शिव है। हम उसका आर्डर मानते हैं। और अभी आप दिन प्रतिदिन ज्ञान सहज होता जाएगा। मना अभी तो फिर भी प्रश्न उठते हैं, प्रश्न चित्त बन जाते हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा
सब प्रश्नों का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। कोई प्रश्न किसी को उठेगा ही नहीं, चारों तरफ आवाज ही आवाज फैल जाएगा, पाना था तो पा लिया, जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया, अभी भला आ गया है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। गुप्त पाठधारी है इसलिए नहीं, जो सतयुग है उसकी एक्यूरेट शुरुआत कहाँ से होती है? 2026 से। 2036 से अगर एक्यूरेट सतयुग की शुरुआत करें तो उससे पहले सतयुग होता है या नहीं होता है? सत्य का युग कुछ विशेष आत्माओं के लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं होता है, तो वही फाउंडेशन है नई दुनिया का, जिसे हम स्वर्णिम सतयुग कहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, ये 2021 में सतयुगी राधा कृष्ण का विजय मनाएगा 2026 में होगा, 2018 में संगम युगी राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष होता होगा, लेकिन संगम युगी राधा कृष्ण का जो 2021 में प्रत्यक्ष होता होगा वो क्यों लॉजिक का आधार पर कौन डेट हम लोग दिया 2018 में, लॉजिक का आधार पर ये डेट जो हम लोग का क्या मुरली में बोला है 18-20 वर्ष के जब होंगे तब उनको राजगद्दी मिलेगी। तो विश्व का मालिक सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर, दिलों के ऊपर राज्य कब होगा? 2018 में होगा या 2036 में होगा? अठारह 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिलों के ऊपर राज्य हो जाएगा। हाँ, तो 2036 में जो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के ऊपर राज्य होगा वो संगम युगी कृष्ण का होगा या सतयुगी कृष्ण का होगा? वो ही है विश्व का मालिक। बाप बच्चे के बगैर एक कदम भी आगे नहीं जा सकते, अभी भी बच्चों से कहते हैं बच्चे आगे बढ़ो मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो बच्चा में, बच्चों में नंबर वन बच्चा कौन है? कृष्ण की सोल। वो कृष्ण की सोल जब संपन्न बनती है, जिसके लिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते, तो बाप अपनी गिनती नहीं रखेगा, बच्चे के साथ अपनी गिनती में आता है। इसलिए रामकृष्ण की आत्माओं को अलग अलग नहीं करना चाहिए, बोल भी दिया तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे, तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। और तो 2036 में नहीं रहेंगे तो और क्या आगे पीछे रहेंगे? 37 में या 35 में रहेंगे? अरे 7 दिन का टोटल विनाश होगा कि नहीं है? हाँ, तो जो 7 दिन का टोटल विनाश होगा उसमें आगे पीछे होंगे, बाकी परमधाम तो कोई को भी नहीं जाना है, कम से कम सूक्ष्म बतनवासी बन करके तो सबको रहना है। इतने ढेर की ढेर अकाले मौत होंगी,
ये सात सूक्ष्म बतनवासी बनेंगे, वो सूक्ष्म बतन में ही लटक के रहेंगे या साकारी दुनिया वालों में प्रवेश करेंगे? प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने वालों की आत्मा अलग, जिनमें प्रवेश किया जाएगा उनकी आत्मा अलग। टोटल कितनी आत्माएं होंगी है? 500-700 करोड़। और बारे में कोई करेंगे? तो डेट तो अभी भी क्लियर नहीं की है कि 500 करोड़ 700 करोड़ की दुनिया का टोटल विनाश किस डेट में होगा। डेट बोलेंगे तो डेट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसलिए नहीं बताई। तो लेकिन संक्षेत्र बता दिया अप्रोक्सीमेटली। लेकिन हम लोग का डिस्कशन होता है 2036 में लेकिन विनाश होगा। 36 शब्द जो है वो डेट नहीं है, वो तो जैसे 76 बता दिया ऐसे 36 एक क्षण हो गया, साल भर 365 दिन, पता नहीं कब हो जाए। और भाई का कहना है पतित दुनिया में पतित ही होंगे और पावन दुनिया में सब पावन ही होंगे, भले पतित दुनिया में सब पतित होंगे लेकिन जो भी पतित होंगे उनमें कोई कोई के वाइब्रेशन पावन बनना शुरू होंगे या नहीं? तो जिन आठ के वाइब्रेशन पावन बन जाएंगे उनके वाइब्रेशन में जो भी प्रवेश करेगा वो पावन होगा या कथित होगा? तो पावन की दुनिया शुरू हो जाएगी ना, उसको कहेंगे पावन की दुनिया। जी हाँ। और बाप दादे और बाप दादा, तो दादे दादे कहा जाता है ग्रैंडफादर को और दादा कहा जाता है बड़े भाई को। दादे का बर्थ तो मिलता है, है? दादे का तो बर्थ तो मिलता है, बर्थ राइट मिलता है। तो वो दादे की प्रजाति का होगा, वो दादे जब पहले आए थे 1942 में छोड़ी छोड़ा है, उसके कहे थे दादे। कब आया, कब से छोड़ा? 1942 में है छोड़ी छोड़ा, उसके कहे थे दादे। उसका शरीर छोड़ा हुआ नहीं कहा जाएगा क्योंकि 100 वर्ष की आयु होती है, रिबर्थ होता है। तो उसको प्रजापिता का है? हाँ जी, प्रजापिता माने 500 करोड़ की शक्ति का पिता। यहाँ पर बोला आप बाप से बर्तन ले, बिहार का बाप माने 500 करोड़। जी हाँ, हाँ जी, उनके दादे का जो बाप का बाप है, ब्रह्मा हमारा बाप ब्राह्मणों का, और उस ब्रह्मा का भी बाप प्रजापिता। काम पूरा करे उसकी पूजा होनी चाहिए या काम अधूरा छोड़ दे और ही बिगाड़ के रख दे उसकी पूजा होनी चाहिए? हैं? तो काम ब्रह्मा के द्वारा पूरा हुआ कि और ही वैश्यालय बन गया? हैं? हाँ। और ज्ञान देने वाला बाप था, बाप प्रत्यक्ष हुआ था? जब प्रत्यक्षता वर्ष ही नहीं हुआ तो बाप प्रत्यक्ष कहाँ से हो गया? इसलिए ज्ञान अधूरा था, अधूरा ज्ञान होने के कारण उनको पता ही नहीं चला कि असलियत क्या है। जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे उनको बुद्धि का पूरा भोजन चाहिए या नहीं चाहिए? पूरा भोजन नहीं मिला तो यज्ञ छोड़ करके चले गए।
बाकी जो भक्ति मार्ग में चलने वाले थे, जिनको बुद्धि के भोजन की जरूरत ही नहीं थी, वो ब्रह्मा को फॉलो करते रहे, भक्ति को फॉलो करते रहे। ब्रह्मा से पहले उसके बाद प्रजापिता, प्रजापिता जब प्रत्यक्ष हो तब तो प्रजापिता के बच्चे कहा जाए। प्रजापिता प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है उसको पता है मेरा पिता कौन है, है? उसको पता ही नहीं है किसने बीजारोपण किया, बीज बोने वाला पिता कौन है, किसको जानता है, माँ को जानता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे हैं दुधमुहा, उनको पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। जब माँ प्रत्यक्ष होती है माँ के रूप में, जगदम्बा के रूप में, बाप जब प्रत्यक्ष होता है बाप के रूप में, तब धीरे धीरे पता चलता है ये मेरा बाप है। इसलिए तो मुरली में बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में जगदम्बा कौन है, ब्रह्मा ही जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है तो कोई पहचानेगा कैसे। और है? 4.5 लाख माताएं आत्माएं मात पिता हो जाती हैं। जी हैं? हाँ जी जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं वो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, दूसरे धर्म के बीज हैं उनका छिलका नहीं उतरेगा, कुट कुट के कुटेंगे पिटेंगे नहीं। अच्छा, छिलका देवान का छिलका उतरना माने शरीर छोड़ना, ये जरूरी है? और ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, जो पापी होने वाले, हाँ जी, ये बोला हुआ है जो सारा दिन जो धंधा करता रहता है वो धंधा रात में भी स्वप्न में याद आता रहता है। जिन्होंने अपना सच्चाई में 100% सच्चाई से अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा में, वो सारा दिन कौन सी सेवा में लगे रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। उन्हें तन के खाने की चिंता नहीं होगी, तन के लिए अच्छा अच्छा पहनने की चिंता नहीं होगी, तन के लिए अच्छा अच्छा मकान रहने के लिए चिंता नहीं होगी, जहाँ रख दिया जाए वहाँ रहेंगे, जो खिलाया जाए वो खाएंगे, जो पहनाया जाए वो ही पहनेंगे। ऐसी आत्माएं जिनका सारा बुद्धि योगी ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, उन्हें रात में क्या याद आवेगा, ईश्वरीय सेवा ही याद आवेगी। और बाप किन बच्चों को याद करते हैं, चलते उन बच्चों को याद करते हैं तो सोते सोते जो बच्चे सोए हुए पड़े हैं नींद में हैं अर्थात सेवादारी,
तो उन बच्चों को बाप याद नहीं करता है, है? तो योग युक्त हो गए या भोगी हो गए? योग युक्त कहेंगे। वो याद की सेवा में लगे हुए हैं, सेवा किसकी कर रहे हैं? सारा दिन भी करते हैं, जैसे कपड़े फाड़ने वाला बजाज है, सारा दिन दुकान पे कपड़े बेचता है और रात में अपनी धोती भी फाड़ता रहता है। क्यों नहीं चलेगा? और गृहस्थियों को याद नहीं करते? क्यों? बाप गृहस्थियों को पढ़ाई पढ़ाने नहीं आया है, है? है? जो बांधेली है उनके लिए तो बोला वो सबसे जास्ती याद करती है, और जो सबसे जास्ती याद करने वाले हैं वो ज्यादा सेवाधारी है या करुणा की सेवा करने वाले या धन की सेवा करने वाले ज्यादा सेंसेबल हैं और वाइब्रेशन बनाने वाले? माताएं जो हैं वो सबसे फर्स्ट क्लास सर्विस करती है, खास करके बांधेली माताएं है। अदर कुमार हो चाहे कुमार हो, उनको टाइटल कौन सा मिला हुआ है? मेरे जैसा टाइटल मिला हुआ है वैसा काम भी करते होंगे, टाइम वेस्ट भी करते होंगे। नहीं तो सड़क का गेट खोलने के निमित्त न बन जाए, नई दुनिया का दरवाजा खोलने के निमित्त न बन जाए। ज्ञान का कलश उनके हाथों में दे दिया जाए ना, फिर भी ढींगा मुस्ती करके अपने हाथों में ले ही लेते हैं, क्योंकि टाइटल मिला हुआ है। बोलो बोलो अपनी भाषा में बोलो, कोई अनुवाद करेगा? अपनी भाषा में बोलो। हाँ भाई लोग नहीं आते। क्यों? भाई लोगों में उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो भाई लोग नहीं है। माताओं के जो बच्चे हैं वो भाई नहीं है। युगल की बात हो रही है। जो घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं वो क्यों आएंगे? ज्ञान अहंकारी लेता है या निरहंकारी लेता है? फिर ज्ञान लेने वाला शिष्य हुआ और ज्ञान देने वाला गुरु हुआ, तो वो ऊंचा किसको समझते हैं, अपन को या अपनी पत्नी को? बाबा तो आकर के ये पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, माता को गुरु समझो, शुरुआत से ही समझे बैठे नहीं है, ये अंत में समझेंगे कि जो भी कन्याएं माताएं हैं इस दुनिया में वो सब हमारी माता हैं, बाप सिर्फ एक ही है, तब लास्ट में असली ज्ञान मिलेगा। माता तो पवित्र है,
हमारे भाई की पवित्र है माता, माता की प्रभाव से उनको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? भाव भाव प्रधान विश्व रचि राखा, तो कहाँ जाएगा? विश्वासम फलदायकम, भावना तो प्रधान है, भावना ही अच्छी नहीं है तो प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी? रथ कहते हैं शरीर, सारथी, और सारथी कहते हैं जो उस शरीर को चलाने वाला है, और रथी कहते हैं जो शरीर का मालिक है। जैसे राम वाली आत्मा है शरीर का मालिक, उसका रथ है वो शरीर, और उसको चलाने वाला साथ में सदैव रहने वाला सारथी है शिव बाबा। और ये देखिए, आज में जो रौद्र रूप धारण किया वो प्रजापिता का रौद्र रूप था जो यज्ञ में विनाश करके चला गया। यज्ञ में जो संगठन था वो टूट गया या रह गया? टूट गया, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, दो दिन रहकर साथ जाने किधर गए, तो विनाश हो गया ना नई दुनिया का। जो नई दुनिया स्थापन भी हुई वो डुप्लीकेट स्थापन हो गई। जिसकी यादगार अजमेर में बनी हुई है, मॉडल बन गया जड़, चैतन्य आत्मा लुप्त हो गई थी, अभी फिर वही चैतन्य आत्माओं का असली संगठन तैयार हो रहा है। आर्गु माना है? सवाल जवाब करने की दरकार नहीं है तुम बच्चों को। तुम कहा जाता है सन्मुख, जो सदैव बाप के सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं उनको आर्गु करने की दरकार नहीं है, क्योंकि आज की मुरली में बताया बाप तो बच्चों को टाइम टू टाइम सोते ही सब बातें बताते रहते हैं। लेकिन आगे ब्राह्मण होकर सुदर्शन चक्र दिया नहीं, कारण क्या है? क्योंकि आगे सुदर्शन चक्र घुमाते ही कौन हो जाते हैं और कैसे भी होते हैं, एक बार सुदर्शन चक्र घुमाते दूसरों की गला काट देते हैं, तो बाबा कब मिलेगा ब्राह्मण का सुदर्शन चक्र? हाँ, जब सुदर्शन चक्र मिले, जब देह अभिमान रूपी गला कटता जाए। और लेकिन सुदर्शन चक्र जो हाथ से न छूट जाए, पहले तो अपना गला कटे, देह अभिमान का गला कटे तब ही तो संपूर्ण आत्मा बने। अपने ही देह अभिमान का गला नहीं काट सके तो दूसरों का कहां से कटेगा? अभी सब अधूरे ब्राह्मण है। सुदर्शन चक्र चलाते चलाते हाथ से सुदर्शन चक्र छूट जाता है, व्यक्त संकल्पों में बुद्धि चली जाती है, आत्म चिंतन करना भूल जाते हैं, पर चिंतन में लग जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं दिया जाता।
और एक प्रश्न है बाबा, शंकर तो बीच पीते और कितने नेत्र खुलते रहे, कैसे खुले, कितने कोई हथियार हुए? तीसरा नेत्र खुलते हुए बीच पीते कहाँ दिखाया गया? या तो बीच पीता हुआ चित्र दिखाया गया है, या तो तीसरा नेत्र खुलता हुआ दिखाया गया है, दोनों बातें एक साथ किसी चित्र में दिखाई है क्या? आंख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। जब आंख खुलेगी तो आंख में से क्या निकलेगा? तीसरे नेत्र में से ज्ञान निकलेगा। ज्ञान को पंथ तपाण को धारा, इन आंखों से जो भी ये दुनिया दिखाई पड़ रही है वो सब सब खलास हो जाएगी। देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, ऐसी चीज को कहा गया तीसरा नेत्र खुलना। संक्षेपण में भी वो तीसरा नेत्र खुलता है तो सारी दुनिया खलास हो गई, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं, इनसे इनके द्वारा कुछ भी होना नहीं है, ये सब मुर्दा घाट में मरे पड़े हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। है दस दिन जब होगा एक सप्ताह का तो कुछ नहीं, उसमें कितना आदमी होगा, मतलब कितनी आत्मा होगी? सूर्यवंशी बचेंगे असल, असल सूर्यवंशी बचेंगे, वो भी बर्फ में दबेंगे। हाँ हाँ, ऐसी कोई आत्मा बचेगी जो बर्फ में दबे? आज के अलावा सब दब जाएंगे, और आज भी बर्फ की तरह जाम होकर के परम धाम वासी हो जाएंगे। हाँ बता तो दिया, कोई नहीं बचता है। पहले जो पच्चीस साल में जो विनाश होगा, विनाश माना क्या? खलास, पुरानी दुनिया खलास और पुराने शरीर भी खलास हो जाए। लेकिन खलास होते हैं कि 4.5 लाख शरीर बचे रहते हैं, फिर खलास क्यों कहते हैं? ये भैया नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? जब खत्म होगा तब दुनिया में कितना आदमी बचे रहेगा? अरे जो बर्फ के अंदर होंगे तो बचे हुए होंगे कि नहीं होंगे? क्या बोल रहे हैं? जब 7 दिन की मूसलाधार बरसात पड़ेगी, 7 दिन के अंदर, पहले कैसे, जब 7 दिन के अंदर भूकंप आएंगे, बड़े बड़े एटम बम फटेंगे और बड़े बड़े भूकंप आएंगे, तो धीरे धीरे विनाश होगा कि एकदम हो जाएगा एक सेकंड में? वो 7 दिन में भी तो नंबर वार है ना, कहीं छोड़ने वाले? शरीर में दबे रहेंगे? 4.5 लाख बता तो दिए, आपने पूरा इनकी बात समझ ली, क्या कहना चाहते हैं? सो कहने बैठो, जिनको पहले निकलना होगा थोड़े थोड़े ऊपर रहेंगे, जिनको बाद में निकलना होगा अंदर रहेंगे। ऊपर ठीक है, हाँ
आत्मा प्रवेश करने से वही में जीत पैदा हो जाता है। हाँ ठीक है, जाता ही हटेगी जीत होने का कारण। हाँ जी, लेकिन दादाजी से करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अरे वो बर्फ ही हट जाएगी, वो ज्यादा ऊंचा जो पहाड़ बन जाएगा बर्फ का वो भी हट जाएगा। बड़ी भारी चिंता हो रही है। हाँ, हमारे शरीर का क्या हाल होगा? हाँ, क्या बचे रहेंगे? कैसे ताजा रहेगा? कोई भी फल है थोड़ा सा दाग लग जाता है, सड़ना शुरू भी हो जाता है, उसको बर्फ में दबा के रख दो तो वैसा ही रहेगा या सड़ जाएगा? ऐसे ही रहेंगे। और हर धर्म की आत्माएं होंगी बर्फ में दबने वाली, हर धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी या एक धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी? तो हर धर्म की बीज रूप आत्माएं अपने अपने धर्म खंड में सेवा करेंगी, अंत में सदगुरु निंदक ठौर न पावे की स्टेज में होंगी या सब एक ही जगह होंगी? अपने अपने धर्म खंड में धक्के खा रही होंगी। चलते रहो, वाइब्रेशन उनको खींचता रहेगा, इधर जाने। हाँ जी, हाँ जी, हो गया ना? तो 500-700 जो मनुष्य होता सारे चाल और नाला आपको भगवान का परिचय हो जाएगा, तो सब भगवान का पहचान लेंगे तो वाइब्रेशन द्वारा, तो उसके बाद ही तो थोड़ी छोड़ देना। हाँ जी, तो कैसे सारा दुनिया में कैसे फैल जाएंगे? सारी दुनिया में कैसे फैल जाएंगे? सारी दुनिया में 4.5 लाख ही फैलेंगे। बीज रूप आत्मा की बात हो रही है, 500 करोड़ की बात हो रही है? 500 करोड़ बीज रूप है क्या? जोर से बोलो। इसका राज क्या है? इसका राज यही है कि आज में भी स्वप्न और साक्षात्कार की लीला चली थी और अंत में भी स्वप्न और साक्षात्कार की लीला तेजी से चलेगी। हो रहा है तो होना नहीं चाहिए क्या? और नई दुनिया का सौगात हुआ है? नई दुनिया का सौगात हुआ है? नई दुनिया का सौगात हुआ है? क्या हुआ है नई दुनिया का सौगात? मतलब उद्घाटन नहीं हुआ है उसका मतलब? कोई मकान बन जाता है पूरा तब उसका उद्घाटन होता है, या पहली मंजिल तैयार हुई तभी उद्घाटन हो जाएगा? हैं, मकान कंप्लीट होता है तभी उद्घाटन होता है या उससे पहले उद्घाटन हो जाता है? हाँ, तो अभी बन रहा है, फाउंडेशन पड़ रहा है, फाउंडेशन अंडरग्राउंड में डाला जाता है। तैयार हो जाएगा फिर बाप उद्घाटन करेंगे। अरे बाबा, पोलार का माने? पोलार माने जैसे ये आकाश है इसको कहेंगे पोलार, खाली है, जैसे घड़ा है, जितना बड़ा घड़ा होगा उसके अंदर पोलार भी उतना बड़ा होगा, घड़ा छोटा होगा तो उसके अंदर पोलार खाली जगह भी थोड़ी होगी,
बोल रहे हैं पोलार्ड से दूर जाना है, पोलार्ड से दूर जाना है। कोई शब्द और है? अभी देवी चले हैं, 2008 तो हो गया, तो क्या हुआ? 2008 हो गया, एडवांस में चले। 2008 का मतलब एडवांस में आने के लिए बोला था 2008 क्या? अरे 2008 एडवांस में आने के लिए बोला या प्रत्यक्ष होने के लिए बोला? और प्रत्यक्षता भी कोई एक तरह की थोड़ी होती है। बच्चा गर्भ में आता है तो प्रत्यक्ष होने की शुरुआत हुई या नहीं हुई? सबसे पहले माँ को पता चलता है कि गर्भ में कोई आत्मा प्रवेश कर गई, वो भी शुरुआत है। भ्रूण तैयार होता है उससे पहले, वो भी बच्चे की शुरुआत है। और बच्चा जब बाहर आता है तो भी कहेंगे प्रत्यक्ष हुआ, जन्म हुआ। फिर ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणों का जन्म होता है जब यज्ञोपवीत होता है, ज्ञानी तो आत्मा बनती है, गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है, तब कहेंगे प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष होने के भी ग्रेड से है। प्रत्यक्ष होने के पहले तो जगदम्बा आना चाहिए है, उसके बाद गंगा, सुना है मतलब गंगा जब जगत जगत की अम्बा बाद में आना चाहिए, गंगा पहले आना चाहिए। पहले आना चाहिए, तुझे झाड़ू सुना है ना, दीपावली हो जलाना है, दीपावली होना है ना, जगदम्बा का आना चाहिए, तो सुना है ठीक है, जगदम्बा का आना चाहिए प्रस्तुत होने से पहले। जब पहले झाड़ू लगाने वाली आनी चाहिए या पहले गंगा आनी चाहिए? गंगा आनी चाहिए। और बाबा ये शरीर पांच तत्वों से बना, चार तत्व समझ में आता है या आकाश तत्व कहते हैं? क्यों, शरीर के अंदर पोलार नहीं है? शरीर के अंदर वैक्यूम है या नहीं है? हैं? अरे खाली जगह है कि नहीं पेट में? हवा हो गया, हवा भी होती है साथ साथ पोलार भी होता है। और क्या क्या पुल बोलो है ना बाबा, ब्लड ग्रुप है तो तीन कैटेगरी का है, बोल रहे हैं। हाँ बोलो, तो दुनिया में भी तो तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं, है? एक ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, उनका ब्लड ग्रुप अलग है। एक शंकर को फॉलो करने वाले, उनका ब्लड ग्रुप अलग है। और एक विष्णु को फॉलो करने वाले, है? है? ओ ग्रुप नहीं, ओ पॉजिटिव। हाँ जी, ओ ग्रुप तो विधर्मियों का हो जाएगा। हाँ जी, वो 500 करोड़ का बाप है तो उसका खून सबके अंदर समाया हुआ है कि नहीं समाया हुआ? हाँ, नेगेटिव सब कुछ कर सकता है। कौन? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? नेगेटिव या ओ पॉजिटिव? यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव होता है। और ये सब उनको उन लोगों से पहले पता लगाओ, जो साइंटिस्ट है, ये पढ़ाई इधर नहीं पढ़ाओ। क्या
हाँ, इस बात का भी बेहद का अर्थ जब ऐसे निकलेंगे साइंटिस्ट को सारी बातें बताएंगे। हर बात का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, सारी पढ़ाई अभी पढ़ा देना, आगे चल के क्या पढ़ा देंगे। देखो अभी बता तो दिया सब बातों का जवाब, ये ओ ग्रुप, ए ग्रुप, पी ग्रुप, टी ग्रुप, ये सब जो कुछ भी होते हो साइंटिस्ट की बात है। ये ईश्वरीय पढ़ाई में ये सब नहीं आता। ईश्वरीय पढ़ाई में इतना आता है कि ये जो संकल्पों का ग्रुप है वो तीन प्रकार का है मूल रूप में, चौथा प्रकार भी है। एक सिर्फ निराकारी स्टेज, कोई संकल्प नहीं, बीज रूप स्टेज में समा जाओ, जैसे विदर्भी आत्माएं अंत में समा जाती है, क्योंकि उनको ज्ञान के डिटेल में जाने का इतना टाइम ही नहीं रहता, चारों तरफ मारामारी शुरू हो जाती है, उन्हें मौका ही नहीं मिलता शांति का। पढ़ाई में शांति चाहिए। अब है तो प्रैक्टिस करने से बनता है ना, क्या मेरा का दिल है जाना जीवन पर प्रैक्टिस करने से बनेगा। हाँ तो एक बार बन गया डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेसर जन्म लिए हैं, वो रील घूम रही है और बीजू के टेक में टिकने ही नहीं देगी। और बहादुर शाह रंगीला जो रंगराज में मस्त रहता था, राजकाज में ध्यान ही नहीं देता था। यहाँ तो जो भी जो ईश्वरीय जिम्मेवारियाँ मिली हुई हैं, उन ईश्वरीय जिम्मेवारियों के राजकाज में जो ध्यान नहीं देते हैं, अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, उनकी राजाई चक्त हो जाएगी। सबरी कोई सबरा की बेटी होगी, सबरी कहा जाता है भीलनी को, भीलनी भील की बेटी होगी और किसकी होगी, सारी दुनिया किसकी बेटी है, सारी दुनिया जो है किसका बेटा बेटी है। अरे एकलव्य कौन था, एकलव्य कौन था, भील था। एक को प्यार करने वाला भील की भील जी, पचास वर्ष कब पूरे होंगे, पहले
शिक्षण को बोलना क्योंकि किसी कौन है समझ गया तो रसोई का धूप का आत्मा सारे चंद्रा है किसी का आदि मत और ब्रह्मा है रचना दूध का फल रखा तो ब्रह्मा के लिए रसोई का धूप क्यों एक पर इसलिए कि शक्ति दोनों को मिलकर के ही बनती है शक्ति भी आत्माएं अगर मिक्स नहीं होगी तो रचना होगी ही नहीं हीरोइन भी चाहिए और हीरो भी चाहिए उनके फॉलोअर्स भी चाहिए उनके असिस्टेंट भी चाहिए विष्णु का राज्य 18 से शुरू होगा या 2036 से शुरू होगा 18 से शुरू होगा तो विष्णु में कितनी आत्माएं समाई हुई है अरे विष्णु पूरा चाहिए या एक हाथ भुजा काट देंगे पांचों भुजाएं चाहिए पांचों आत्माओं की संबद्धता एक साथ चाहिए इसलिए लक्ष्मी कहते हैं महालक्ष्मी कहते हैं नारायण कहते हैं महानारायण कहते हैं काली कहते हैं महाकाली कहते हैं और एक भी बार कोई झूठ तैयार होने से एक दूसरे को किस करिए एक तो आज का माला का थोड़ा सा बंद है ठीक है तो ये जो बोला गया है ये मेरा आत्मा नहीं बनेगा ये तो कोई नहीं कहा गया ना बोला गया कि 2018 में ही पहला ग्रुप तैयार होगा है हाँ नारी से बनता है लक्ष्मी बनता है जगदम्बा नारी है जगदम्बा को तुमने नारी रूप में कभी देखा जो जगदम्बा को नारी रूप में देखते होंगे वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे वाचा से भी कर्मेंद्रियों से भी धन की पावर से भी और जो जगदम्बा को रुद्रमाला का मणका देखते होंगे वो कभी उसको क्रॉस नहीं करेंगे हाँ। नारी अंदर से भी और बाहर से भी कि सिर्फ अंदर बाहर से नारी दिखाई दे और अंदर से नर हो भाव स्वभाव संस्कार से उसको नारी कहा जाएगा लेकिन संगम में राजा राज्य है राजा बनने का योग है तो नारी जो बाहर से तो नारी है लेकिन अंदर से पुरुष होने का अच्छा है अपना राजा बनेंगे तो रानी नहीं बनेंगे तो रानी जो नहीं है राजा जो ठीक है तो जो जो माता कन्या है राजा बनेंगे है। अच्छी बात है ना बिल्कुल सही बात रुद्रमाला के मणके बनना बाप के सिमरनी के मणके बनना बड़ी बात है या विजयमाला के मणके बनना बड़ी बात है बाप की सिमरनी है रुद्रमाला तो जगदम्बा ने तो अच्छा लक्ष्य लिया आधीन तो नहीं बनना पड़ेगा राजा स्वाधीन होता है और रानी फिर भी आधीन होती है तो बाहर नहीं होता है ना है जगदम्बा का पूजन तुलसी का पूजन तो बाहर नहीं होता पृथ्वी का जगदम्बा का पूजन हाँ बाहर नहीं होता है ना तुलसी बाहर नहीं होता बाहर नहीं होता ना बाप को तो अंदर नहीं होता प्रवेश नहीं कर सकते क्या राज परिवार अंदर नहीं हाँ तो जो राजा बनेगा वो अपने नंबर का राजा बनेगा या अब्बल नंबर का राजा बनेगा फिर तो जो अब्बल नंबर का राजा होगा उसके राज परिवार में उसकी रानी अब्बल नंबर बनने वाली होगी या
चौखट से बाहर बैठने वाली होगी। रानी भी तो फर्स्ट क्लास चाहिए। पुरुष वाली रानी नहीं चाहिए, पुरुष वाली रानी नहीं चाहिए। तुलसी, तुलसी नाम पढ़ना चाहिए, तुलसा। तुलसी है तो स्त्री है। आपने बोला ये सब लाडली पढ़ाई है, लाडली नहीं है। और आपने क्या बोला? जो गैन में आते हैं तो थोड़ा जो गैन थोड़ा बेसिक से गैन होना चाहिए। जो गैन में गहरे जो आते हैं, अगर कोई बच्चा गैन में चले आते तो उसको जब सब स्थिति बात सब 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 बारह का बात समझ जाते, समझ सकते ना? थोड़ा तो गैन होना चाहिए। मना यज्ञ में पूर्व जन्म में आए बगैर कोई एडवांस में आ सकता है क्या? बाबा का भाषा तो समझना होना चाहिए ना, वो तो आध्यात्मिक भाषा है। हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भाषा भाषी बनेगा ना। अगर पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो विदेश में जन्म ले लिया, विदेशी भाषा भाषियों के बीच में जन्म ले लिया, तो कैसे समझेगा? क्यों नहीं होते? विजयमाला के मण के लास्ट में निकलेंगे, लास्ट में निकलने पर भी वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में फास्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? विजय माला छोड़ के रुद्रमाला कंप्लीट है ही नहीं, इनकम्प्लीट माला है। लेकिन इनकम्प्लीट जो माला है उसमें अष्टदेव का क्या स्पेशलिटी है? जो अष्टदेव निर्भीतरी बनेंगे वो पापात्मा नहीं होगा। अष्टदेव, अष्टदेव भी तब अष्टदेव पक्के मजबूत है जब चार विजय माला से हो और चार रुद्रमाला से हो, चार सूर्यवंशी हो, चार चंद्रवंशी हो, तब अष्टदेव पक्के कहे जाते हैं। ये हमारी सारी पढ़ाई प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग वालों के लिए है? सिर्फ रुद्रमाला के मण के हैं तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? हाँ जी। लेकिन प्रोसेस होगा जो चार शिव बाबा को पाते हुए भी इतना पुरस्कार करते हुए भी विजय माला का इतना क्या क्रेडिट है जो चार को पवित्र बना देगा जो शिव बाबा ने नहीं पाया? सबसे बड़ा क्रेडिट है ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते, पवित्र रहना है तो बस पवित्र रहना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। और रुद्रमाला के मणकों को हमको तो मल्ल युद्ध करना है, मारा लड़े तो लड़े, न करो ना मल्ल युद्ध, कोई करना जरूरी है क्या? अरे भाई बहन है तो भाई बहन को साफ सोना जरूरी है क्या? है भाई बहन बन के रहो, कौन मना करता है? लेकिन राजाओं को तो मल्ल युद्ध चाहिए। भाई बहन है कि नहीं ब्रह्मा के बच्चे, वो भूल गए? जब भाई बहन है तो भाई बहन को साथ साथ सोने की संकल्प भी आता है क्या? जो अच्छे परिवार के भाई बहन होते हैं, अच्छे सही खून के, जिनको रायल परिवार समझा जाता है, वो भाई बहन साथ साथ सोने की बुद्धि में इच्छा भी करते हैं क्या? नहीं करते। अरे हम जवान हो चुके हैं, ये गिरती कला का युग है, कल युग है, माया पंजा मार सकती है। इसलिए मुरली में भी बोला है, जब भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, एक ब्रह्मा बाप की संतान है, तो साथ साथ सोने की भी क्या दरकार है? लेकिन उन्हें तो मल्ल युद्ध चाहिए, 63 जन्मों की संस्कार है युद्ध करने के। इतनी उन्हें अकल चलाने की दरकार ही नहीं है, जैसे ब्रह्मा प्लान बुद्धि, ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करने वाले बच्चे भी
प्लान बुद्धि, ज्यादा सुख भोगने वाली कृष्ण की आत्मा होगी या राम की आत्मा होगी? है कृष्ण की आत्मा जागती सुख भोगेगी, चैन की बंसी बजाई शूटिंग पीरियड में, और सत्य त्रेता में भी चैन की बंसी बजाएंगे लंबे टाइम तक, और द्वापर कलयुग में भी चैन की बंसी बजाएंगे, आखिरी जन्म में भी दुखी होंगे या सुखी होंगे? सुखी ही सुखी। बाप सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, बच्चों को सुख देते हैं। भारत की परंपरा में क्या चलता चला आया, बाप क्या सोचता है, मेंटलिटी क्या होती है, मैं भले दुखी रहूं लेकिन मेरे बाल बच्चे नाते पोत्री पोत्रा धोत्रे परपोत्रे सब सुखी बने रहे, ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? बाप के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है। बिना सच्चे साथी के कभी सफलता नहीं मिल सकती, साथी कंप्लीट चाहिए। तो क्या हुआ, उद्योग से नजदीक नजदीक होता है या देह से नजदीक नजदीक होता है? असली नजदीक कौन सा होता है? तो अरे विजयमाला चंद्रवंशियों का भी कोई बीज होगा, रुद्रमाला भी नहीं, रुद्रमाला में सबके बीज है कि नहीं? रुद्रमाला में सब धर्म के बीज है या नहीं है? तो चंद्रवंश का बीज तो जगदम्बा हो गई, फिर सूर्यवंश का बीज कौन? कन्या माताओं के बीच में है बस। विजयमाला का जोड़ी हो जाए तो विश्व की मालिक बन जाए ना। और बाबा आठ आत्मा का जो परिवार हमने बोला तो यहाँ बोला तो परिवार की खराब ब्राह्मण परिवार तो कंट्रोल करेंगे, पालना विष्णु के कुल का नहीं होगा तो पालना पूरी दे सकेगा? प्योरिटी पूरी नहीं होगी तो पालना पूरी होगी क्या? और सिर्फ रुद्रमाला के मणकों से पालना प्योरी होती है क्या? हाँ दोनों चाहिए। लेकिन बाबा अष्टदेव अष्टदेव सिंगल होगा या डबल होगा? देवताएं जो होते हैं वो निवृत्ति मार्ग के होते हैं या प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं? तो प्रवृत्ति मार्ग होना चाहिए। सूर्यवंशी चार और चंद्रवंशी चार अष्टदेव हुए, चंद्रवंशी चार माने तो फीमेल है ना, तो देव की उम्र बोला गया है चार फीमेल चार में। जो प्रधानता किसकी है? फीमेल अपने को मेल में मर्ज करके रखती है या उसको क्रॉस करके रहती है? मत करके रखी तो यदि ब्रह्मा को विष्णु बनेंगे तभी तो पालना देंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाबा शंकर का पाठ राम वाली आत्मा का, ठीक है? शंकर का पाठ राम वाली आत्मा का नहीं है। शंकर माने क्या? शास्त्रों में जितने भी नाम है वो सिर्फ नाम ही है या काम के आधार पर नाम है? तो शंकर माना क्या? शंकर माना मिक्स पार्ट। कौन कौन मिक्स हुआ? जो सदैव सतो प्रधान है शिव वो भी मिक्स है उसमें।
जो रजो प्रधान है वो भी नित्य है, जो तमो प्रधान है वो भी नित्य है। इसलिए शंकर कहा जाता है। अगर चंद्रमा की आत्मा मिक्त न हो तो शंकर नहीं कहा जाएगा। आइडिया तो एक ही होता है, मुरली का आइडिया एक ही है शुरुआत से लेकर अब तक, लेकिन समझने वालों की बुद्धि अपनी अपनी अलग अलग होती है। शास्त्र तो एक ही है, वही गीता यज्ञ के आदि में भी सुनाई जाती थी। उस समय जो अर्थ किए जाते थे वो सात्विक अर्थ थे, वही गीता अंत में भी उसके अर्थ किए जाएंगे। बीच में ये घपला पैदा हो जाता है। तो समझने वालों की बुद्धि का अंतर है या समझाने वाले की कमी है? मुरली में भी संक्षेपतर बोला हुआ था, समझने वालों ने तो अपना आइडिया लगा लिया, बाद में समझाने वाले ने अपना आइडिया बता दिया। तो असली आइडिया क्या है? बाबा, जो आप प्रतिदिन जो इतना मार रहा, इतना अकल एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं रहेंगे? ये सब कुल मिला के दोबारा जन्म हो जाएगा। हो सकता है उनमें से फिर कोई दोबारा जन्म ले ले। अकाले मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता है क्या? बाबा, शिष्यों का धर्म है, वो लोग कृपा रखते हैं। हैं? धर्म में ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की कटारी है। पवित्रता का कंगन है। दृढ़ता से उन्होंने उन बातों को फॉलो किया है तो विधर्मियों से मुकाबला किया है। क्या कहा उन्होंने? आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, तो एक सत्य की याद करेंगे तो हमने याद कर लिए। मुरली में तो बोला जो मेरे को परम धाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। वो भक्ति मार्ग की बात हो गई। भक्ति मार्ग माने परमात्मा बाप इस सृष्टि पर नहीं आया हुआ है, इसलिए ऊपर याद करते हैं। साकार शरीर में निराकार को याद करते हैं, हैं? तो मैं कैसे स्टेज में रहना चाहिए? अपने को आत्मा समझ बीज रूप स्टेज में रहना चाहिए, हैं? कोई संकल्प नहीं होना। क्यों संकल्प होना चाहिए? फिर देवान आ गया। खुद ही बीज रूप स्टेज में नहीं टिके होंगे तो बीज रूप बाप को कैसे याद करेंगे? ऊपर किस लिए? बता तो दिया, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय। जब नीचे आया हुआ है तो ऊपर बुद्धि बार बार क्यों जाती है? पांडव
किसी का फोटो दिखाया जाता है तो क्या फोटो भगवान हो जाता है? क्या बाप हो जाता है? बाप हो जाता है वो तो उदाहरण दिया ना, उदाहरण अलग बात होती है, असली अलग बात होती है। असली को याद करना है या नकली को याद करना है? याद नहीं करना है, लेकिन कंसेप्शन सितारा नहीं है आसमान में चमकता हुआ? स्टार कंसेप्शन नहीं है क्या? रात में देखा नहीं जाता क्या? फिर काहे के लिए दुनिया भर की बातें बनाने की जरूरत है? क्या जरूरत है? Yeah.